सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। मेरा नाम है शिवा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं शिवा सिंह टैग। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे तीन यूट्यूबर को जिनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। जहाँ दोस्तों, हम वो यूट्यूबर एक्चुअली क्या थे, वो प्रैंकस्टर है, ठीक है। वो अपने उनके 17 यूट्यूब चैनल थे, 17 यूट्यूब चैनल पे उन्होंने 200 से 300 वीडियोज़ उन्होंने अपलोड किया है और ऐसे प्रैंक बनाते थे। बहुत ही प्रैंक के नाम से वो अश्लीलता फैलाते। आपने देखा होगा जितने भी प्रैंकस्टर हैं उनके जितने भी वीडियोस हैं वो ज़्यादातर स्क्रिप्टेड होते हैं, 99% स्क्रिप्टेड होते हैं। वो पब्लिक प्लेस में जा करके ऐसे वीडियोस बनाते, ऐसे गंदे सेक्सुअल वर्ड यूज़ करते, ऐसे लड़कियों के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ टच करते। तो ये जो है ऐसे वीडियोस बनाते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं ऐसे सोशल में। जो हम लोग जैसे यंगस्टर लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, ऐसे वीडियोस देखेंगे, फैमिली के साथ ही देखेंगे या कुछ अलग ऐसे देखेंगे, उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो नया जनरेशन आ रहा है उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर ऐसे बहुत गंदे प्रैंक बनाते वीडियो। और उन्हें हम लोग लाइक भी करते, शेयर भी करते हैं, उन कमेंट भी हम करते हैं कि भाई बहुत अच्छा, आप नेक्स्ट वीडियो बनाइए, हम देखेंगे, वेट करें। तो ऐसे प्रैंकस्टर को हमें बायकॉट करना चाहिए। ऐसे प्रैंकस्टर जितने भी हैं जो अश्लीलता फैलाते हैं, उनका चैनल बंद होना चाहिए। दोस्तों, ये जो प्रैंकस्टर है ये सिर्फ प्रैंक के नाम से अश्लीलता फैलाते हैं और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हम लोगों की तरफ पड़ता है। प्रैंक हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्रैंक के नाम से ये सिर्फ अश्लीलता फैलाते हैं और ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो लड़कियों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी वीडियोस देखती हैं, उनको भी शर्म आती है ऐसे लड़कियों, और ये क्या काम करते हैं, ये सारा जो भी इनका वीडियोस होता है, जितने भी प्रैंकस्टर हैं वो उनका सारा स्क्रिप्टेड होता है। ये क्या काम करते हैं कि लड़कियों को बुलाकर एक्टिंग के नाम से वो पैसा देते, 1000-1500 देकर एक्टिंग के नाम से अपने वीडियोज़ में काम करवाते हैं, उनसे प्रैंक शूट करवाते हैं, बोलते हैं कि छोटा सा प्रैंक शूट करना है, आप इतना ले लो, हमारे वीडियोज़ में काम कर लो। तो कुछ पैसे देकर वो लड़कियों को बुलाकर प्रैंक वीडियोस बनाते हैं पब्लिक प्लेस में जा करके। आप मुंबई में देख लीजिए, मुंबई में जितने तीन यूट्यूबर पकड़े गए हैं उनके 17 यूट्यूब चैनल, मैंने बता दिया, अभी मैंने बताया कि 17 यूट्यूब चैनल थे उनके, ठीक है, ये यही तीनों हैं। तो 17 यूट्यूब चैनल इनके थे और इनमें से जो एक बंदा था वो थाने में क्लासेस चलाता था और अपने क्लासेस के बच्चों को अपने वीडियोज़ में इसने यूज़ किया। ये क्या काम करता था ये बंदा है कि अपने जो भी क्लासेस चलाता है उसमें से कोई बंदे को बुला करके वो पैसा देता था, ठीक है, कुछ पैसे 1000-1500 देकर अपने वीडियोस में उन लोगों को, उन स्टूडेंट को इस्तेमाल करता था, ठीक है। ये लोग क्या काम करते, एक वीडियोस में 2000 से 3000 रुपये तक इन्वेस्ट करते थे उस वीडियोस को बनाने के लिए, 2000 से 3000 रुपये खर्च करते थे। लेकिन उस वीडियो से उनको इनकम कम से कम 50-60 हज़ार रुपये इनकम होती थी एक वीडियोज़ में। और इनके कुल 17 यूट्यूब चैनल थे, 17 यूट्यूब चैनल में इन्होंने 200 से 300 वीडियोस अपलोड किए हैं जिनसे इनकी इनकम दो करोड़ रुपए लगभग, हाँ 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम इनकी हो चुकी है। तो मुंबई पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया है और इनके जो भी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उनकी जाँच शुरू हो रही है। और मुंबई पुलिस ने YouTube को भी लिखा है कि ऐसे यूट्यूबर को, ऐसे प्रैंकस्टर को बैन करना चाहिए, ऐसे जो भी प्रैंक वीडियोस, जो अश्लील वीडियोस बनाते हैं उनका चैनल बंद होना चाहिए हमेशा के लिए। क्योंकि ये जो होते हैं ये प्रैंक के नाम से अश्लीलता फैलाते हैं, सेक्सुअल वर्ड अपने वीडियोस में अपलोड करते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट हम जैसे लोगों पर पड़ता है, जो नए यंगस्टर लोग हैं, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उन पे, उनके करियर पे, उनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ जो मुंबई पुलिस की है, तो चलिए हम छोटी सी रिपोर्ट को देख लेते हैं। मुंबई पुलिस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छी केस की है जिसमें कुछ यंगस्टर्स कुछ फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं जिसपे बहुत ही अश्लील तरीके के वीडियोस वो अपलोड करते हैं। इसका मोडस बेसिकली ऐसा रहता है कि ये कुछ लड़कियों को बुलाते हैं कि कुछ छोटा सा एक प्रैंक करना है, और जो यहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस है मुंबई के, जैसे बांद्रा फोर्ट एरिया हो गया, जुहू बीच, अक्साई बीच, गोराई बीच, और कुछ MCGM के पार्क्स भी है जहाँ पर इसका शूटिंग किया जाता है। 5 से 10 मिनट का रफली ये वीडियो होता है, वो ओवरऑल वीडियो बहुत ही गंदा और भद्दा लगता है। ये सब वीडियोस तैयार करने वाले 3 आरोपी अभी तक गिरफ्त में है।
इनके 17 YouTube चैनल और कुछ Facebook पेजेस चलते थे, जो अभी बंद करने के लिए मुंबई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने लिखा हुआ है। अब तक ऐसा अनुमान है कि इससे कम से कम 2 करोड़ रुपए की आमदनी इन चैनल ऑपरेटर्स को अभी तक हुई है। मुंबई पुलिस महिलाओं की सुरक्षितता को लेकर हमेशा कटिबद्ध है, हमेशा सजग है, हमेशा डेडिकेटेड है। फिर से कहना चाहता हूँ, आप सावधान रहिए, अगर यूट्यूब चैनल पर काम करना है तो बहुत ही साफ सुथरे से काम करिए, ठीक है। आप ऐसे अश्लीलता फैलाने का काम बिल्कुल मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना सुझाव ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।